गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे अभी 9:30, 5:30 का उठा हुआ, ये टाइम आ गया। व्लॉग एडिटिंग किया, कॉमेडी कंटेंट शूट किया, पहले फ्रेश होते हैं। मायशा ने भी रोना शुरू कर दिया। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी रात मायशा बहुत ज्यादा परेशान करती है। मुस्कान तो जागती रहती है, और 2 दिन से मैं भी 4 से 5 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ। क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो इतना? बहुत देर से देख रहा हूँ, आवाज निकले जा रही है यार, आंखें खुल गई हैं। बताओ, सोने का होश नहीं है, पूरी रात भर जागना, फिर दिन में जागना, तो पता नहीं चलता 3 बजे सुबह कैसे होती है। और अब जो सुबह हुई है, ये सुबह हुई भी रहेगी, बस अभी दिन ढलेगा नहीं। सो जाओ यार, सो जाओ बेटा, सो जाओ। अच्छी बच्ची हो ना तुम, अच्छी बच्ची हो, चलो सो जाओ। आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, आंखें बंद कर लो। पहले जाते हैं बाहर, जो भी सब सामान है खाना बनाने का, ब्रेकफास्ट करने का, सब लेके आना पड़ेगा। खाने का सामान मेरा सब आ गया है। ये कचौरी के लिए पहली बार देखिए मैंने चटनी, और साथ में ये सब्जी, ये टेस्ट करने के लिए मैं लेके आया हूँ। कुछ थोड़ी बहुत खाएंगे, जितनी खाई जाएगी। अभी तक सारे काम किए जा चुके हैं, बस एक काम बाकी रही है, वो है चाय बनाना। अपनी चाय गर्मा गर्म हो गई है रेडी, थोड़ी सी मीठी बन गई है, मगर मैंने बनाई है, चलेगी। अभी टाइम हो चला है 2:00 PM का, मैं होता हूँ फटाफट से पहले रेडी। सो अब मैं हो गया हूँ पूरा कम्प्लीटली रेडी, फोन में चार्जिंग भी कम्प्लीट हो गई है। मैं जा रहा हूँ मार्केट, मार्केट से मुझे लेके आना है यहाँ के लिए सोफा। अब देखते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि मैं लेके ही आऊंगा, बट मैं अभी सिर्फ जज करने जा रहा हूँ कि किस अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक रहता है। अगर मौका लगा, पॉसिबल हुआ, तो डेफिनेटली हैंड टू हैंड परचेज करके यहाँ लेके आ जाना है। तो अब यहाँ से फटाफट निकलता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। लीजिए एक बारी धूप के ऊपर, बहुत तेज धूप है यार, एंड बाय द वे धूप में हालत डाउन होने वाली है। जैसे कैसे करके मैनेज करेंगे, गर्मी कितनी भी हो जिंदगी फिर भी जी ली जाती है, और इस जिंदगी को कैमरे के सामने जीना मजा लगे, स्वाद ये लगे। अब जूते वूते डाल के बिल्कुल प्रॉपरली अपन फ्रेश हो गया, अब अपन घर से निकल सकता है बिल्कुल। चलो आ जाओ, लॉक कर लो गेट, 2 मिनट लगेंगे इसको लिटा के, लॉक कर लो। आ जाओ, फिर आने के बाद सफाई भी करनी है घर की। सब 2-3-4 दिनों में घर इतना ज्यादा गंदा हो जाता है ना, बस मन करता है साफ कर दो बिल्कुल। चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अपन की मोटो राइड हो चुकी है स्टार्ट, और गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ है। अभी तकरीबन 4 दिन पहले मौसम काफी अच्छा था, मगर 3 दिन से क्या हो रहा है, धूप निकल रही है बहुत जबरदस्त। मगर गर्मी कितनी भी लगे, आज पहुंचा जाएगा, और वो भी एक खुफिया रास्ते से, जो कि मैं बड़े वाले फ्लाईओवर से नहीं जाने वाला। धूप बहुत ज्यादा है, हवा भी लग रही है गर्मा गर्म, तो इसलिए अपन चलेंगे लोहे के पुल से। यार हवा कितनी जबरदस्त लग रही है, आज हम निकलेंगे खुफिया रास्ते से। बस दुआ करो कि वो रास्ता खुला होना चाहिए। उस रास्ते में जो सुकून है ना भाई साहब, मजा है मजा। अगर कहते हैं कि वो रास्ता ज्यादा सेफ भी नहीं है, खास तौर से नाइट में। अरे यार यहाँ क्या ट्रैफिक मिल गया, होना नहीं चाहिए यार वैसे यहाँ ट्रैफिक। अभी अपन एंटर कर गए इस लोहे के पुल में, इसके जस्ट बराबर में एक फ्लाईओवर और बनाया जा रहा है, जो कि अब इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। इतने ज़्यादा गड्ढे हैं ना यहाँ पर कि गाड़ी को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए गाड़ी थोड़ा सा यहाँ केयरफुल चलानी पड़ती है। रात में तो ये फ्लाईओवर को बंद ही कर देते हैं, क्योंकि रात के टाइम इस रास्ते में चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके चलते रात के टाइम बंद ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। पहले यहाँ पर चारों तरफ पानी हुआ करता था, मगर अब वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से हिस्से में पानी बाकी रह गया, और वो भी गंदा, बेहद ज़्यादा गंदा। गाड़ी स्लो ही चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, कभी भी गाड़ी रपट सकती है। गवर्नमेंट इस वाले फ्लाईओवर को रिपेयर कराते कराते थक गई थी, मगर अब गवर्नमेंट ने फाइनली ये फैसला ले लिया कि इसके जस्ट बराबर में एक फ्लाईओवर बना दिया जाए। हालांकि पहले भी गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर यहाँ बनाने की कोशिश करी थी, मगर अफसोस के वो फ्लाईओवर नीचे ही लुढ़क गया, मतलब उसके कुछ पिलर्स ही खड़े करे थे और फिर अचानक से वो गिर गया। मगर अभी गवर्नमेंट ने पहले से पहले पूरा प्रिपरेशन करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऊपर ट्रेन भी गुजरनी है और नीचे गाड़ियां भी गुजरनी है। हमारी डेस्टिनेशन दोनों जगह है, राइट भी लेफ्ट भी, अगर हम जाएंगे लेफ्ट से खुफिया रास्ते से। एंड बाय द वे मैं बात कर रहा था इस वाले रास्ते की, ये रास्ता भी रात में सेफ नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चोरियाँ की जाती हैं, तो ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं, किसी का फ़ोन छीनना, वॉलेट छीनना, ये सब चीज़ें यहाँ होती रहती हैं रात में। एंड दिन में ऐसा कोई भी कांड नहीं होता, हालांकि ये मैंने कोई किस्सा दिन का सुना नहीं, रात के यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। यहाँ है गुफा राइट में जाके, ऊपर है फ्लाईओवर और नीचे फ्लाईओवर से निकलना पड़ता है हमें, काफ़ी बंद बंद सा रास्ता है यार, ऑटो जा नहीं पाएगा, मगर बाइक्स निकल जाएंगी क्योंकि यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं।
देखो रास्ता देखो कैसा है, ओए गड्ढे गड्ढे गड्ढे, काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ से टू व्हीलर निकालना। बाकी फोर व्हीलर या फिर ऑटो तो यहाँ आ ही नहीं सकती क्योंकि ये रास्ता सेफ नहीं है, इसी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि फिर भी टू व्हीलर तो निकल ही जाती है जैसे कैसे करके। अब ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, रास्ता तो बंद है भाई। ये रास्ता बिल्कुल शॉर्ट है और यहाँ से सीधा हम बाहर निकलेंगे, राजघाट वाले रूट पर पहुंच जाएंगे जो कि बड़े वाले फ्लाईओवर से हमें बहुत लंबा क्रॉस कट करना पड़ता है। 3 किलोमीटर हमारा यहाँ से सेफ हो जाता है डायरेक्टली। यहाँ जो सुकून है ना भाई वो मस्त वाला है। एंड यहाँ पर आके गर्मी का एहसास होता नहीं क्योंकि चारों तरफ यहाँ पेड़ है और रास्ता भी ये छोटा सा बनाया हुआ है, बिल्कुल काफी मजेदार है। इधर देखो कबूतर बैठे हुए हैं। किसी टाइम में यहाँ पर हम आया करते थे बाजरा डालने के लिए, मगर अब तो हमारे घर के बाहर ही डल जाता है। ये है राजघाट का इलाका, शांतिवन राजघाट सब लगता है ये। अभी हम राजघाट से सीधे पहुंच गए दरियागंज। सामने मेरे स्ट्रेट बिल्कुल दरियागंज का रास्ता है। बस अपन मोटर व्लॉगिंग को करते हैं अभी फिलहाल यहीं पर ही समाप्त। अपन का कैमरा बहुत ज्यादा गर्म हो गया बहुत, अब इसको थोड़ी सी ठंडक देने की कोशिश की जाएगी। अभी फिलहाल ये होता है व्लॉग का नेक्स्ट डे, सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। मैं रात में वापिस आ गया था और आने के बाद मैं सो गया था बिकॉज बहुत तेज की नींद आ रही थी। दूसरी बात गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हालत गर्मी की वजह से काफी खस्ता हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी यार, काफी घमस हो रहा था। और घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है ना एसी के आगे बैठते हैं तो उसी के अंदर मजा आ पाता है। तो फिलहाल मैं आया था रात में सो गया था, अब 8:30 बजे का टाइम है, अब दिन की शुरुआत। और जो मेरा सोफा था वो स्पेशली मैंने बुक कर दिया है। एक चीज लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी पुरानी लिए, और वो है हमारी ये टेबल। हालांकि जब ये सेट होगी तब ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके अंदर यहाँ ड्रॉर भी है, इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, शीशा है, काफी अच्छी है, पुराने टाइप की बनी हुई मगर बढ़िया है। तो फिलहाल 1 या 2 दिन में या फिर 3 दिन में सोफा आ जाएगा, उसके आने का इंतजार करते हैं। किस तरह से हमें मैनेज करना है, किस तरह सारी सेटिंग जमानी है, सब हमें धीरे धीरे करके पता चलेगा। और सेटिंग करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, उसमें सोच विचार होते हैं, ऐसे नहीं वैसे करना, वैसे नहीं वैसे करना, इस तरह से काफी ज्यादा टाइम का बर्बादा भी होगा। मगर हाँ सब कुछ मैनेज अच्छे से हो जाएगा, सोफा लग जाएगा ना फिर बेस्ट होगा, जिससे कि मैं अच्छे से काम भी कर सकूंगा अपने चैनल के ऊपर, ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर, स्टार्डम के लिए वीडियो, सारे काम इजीली होते रहेंगे और अपना थोड़ा सा रेस्ट भी होता रहेगा स्टूडियो में। तो अभी फिलहाल मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट और आज है संडे। संडे में होगी मेरी शॉपिंग, काफी टाइम के बाद मैं जाऊंगा करोल बाग, मगर वो आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग की करते हैं यहीं पर समाप्ति। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिएगा। रही जिंदगी, मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।